मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती, मुझे मेरी बहुत फटती है समुंदर से, फिर भी मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज सत श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ मुल्की में और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक सर्फ कोर्स विद आलाई सर्फ क्लब। तो ये मेरा फिफ्थ डे, एक्चुअली मैंने 5 दिन का कोर्स लिया था, 4 दिन हो चुके हैं सर्फ करते हुए। मुझे बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती, मतलब नहीं आती थी और अभी भी नहीं आती, लेकिन गौतम एट आलाई सर्फ ही टोल्ड मी कि नहीं कोई बात नहीं, आप आओ को सिखाएंगे सर। तो दिस वीडियो गोइंग टू बी कि भाई अगर आपको सर्फिंग करनी है तो कैसे सीखनी है, क्या क्या होता है सर्फ कोर्स में, और आपको स्विमिंग आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, कितना रिस्की है कितना रिस्की नहीं है, वो सब चीज़ें बात करेंगे हम। दिस इज द डे 5 एक्चुअली और हम शुरू करेंगे डे 1 से। ओके, तो यार आज फर्स्ट दिन है और मुझे कुछ भी नहीं पता है स्विमिंग, मतलब मुझे बिल्कुल ही नहीं आती है और थोड़ा मुझे डर लगता है एक्चुअली समंदर से, लेकिन अब ये पंगा ले लिया है तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि डू यू रियली नीड स्विमिंग या मतलब आज तो फर्स्ट क्लास ही, आज तो शायद ज़्यादा थियरी होगी। After the day 1, let's first introduce the team, right? Okay. Hi, I'm Gautam. And you run this surf camp, yes, right? Yes, I run this surf camp called Alai Surf Camp. Yeah. And this is my team here. This is Monish driving the car. Takul over there. What's up, Yash? This is Avier and this is Yash. Okay. What is this? This is dosa. तो अभी वी आर एट द ब्रेकफास्ट प्लेस, ये मेरा पहला ब्रेकफास्ट है मुल्की का, एंड दिस इज ये डोसा है और दिस इज मेदू वड़ा। मस्त है। तो यार नाश्ता करने के बाद हम घर आ चुके हैं, तो मैं रह रहा हूँ, इसे सामने घर है बड़ा सुंदर सा, रंग बिरंगा सा दिखाऊंगा आपको बाद में मैं। ये इनका ऑफिस है, तो अभी हम यहाँ पे आए नाश्ता करने के बाद, और मेरा एक्सपीरियंस आज का मतलब ऐसा रहेगा, ये सुबह सुबह क्लास होगी 2-2.5 घंटे एंड दैट विल बी इट। शुरू में लगा कि जब मैं था ना वहाँ पे बीच पे कर रहा था जंप करके, जो कैसे क्या बोलते हैं उसको, पॉप अप और राइट है PPR, तो जब पॉप अप मतलब को जंप करके आपको खड़े होना है उस पर, तो जब आप बीच पे हो तो लगता है कह रहे तो आसान है, ऐसे पुशअप टाइप करना है जंप करके, है ना, तो लेकिन वो बैलेंस बनाना कि आपके पैर सीधे हो या नहीं हो, और वो कितने टाइम में, क्योंकि जब मैं था ना मैं अंदर गया पानी में तो बहुत बार गिरा, एंड में एक राइड करा मैंने, मतलब खड़ा हुआ 2-3 बार बीच में, लेकिन राइड मैंने एक ही करा। तो अभी तो क्या हो रहा था कि गौतम था मेरे साथ वहीं पे, तो ही यूज़ टू टेल मी कि वेव आ रहा है, एंड ही यूज़ टू गिव मी अ धक्का, थोड़ा सा पूछते ज़्यादा मेरे को बीच से, ताकि थोड़ी मेरी स्पीड बनेगी, अदरवाइज मेरे को खुद पैडल करना है, खुद हैव टू मैच द स्पीड ऑफ द वेव और फिर उसको राइड करना है। तो आज गिरा बहुत बार मैं, थोड़ा डर लगता है गिरने में, मतलब ऑब्वियसली जब आप
इतना है नहीं ना समुंदर का, डर लगता है मेरे को पानी से, तो गिरा 4-5 बार शुरू में, डर लगा और अभी थोड़ा दुखेगा, अभी बॉडी दुखेगा कल सुबह तक, लेकिन इवेंचुअली एक राइड कर लिया मैंने, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। बाकी अगले 4 दिन और हैं हमारे पास यहाँ पे, तो देखते हैं, तो लेट्स सी क्या कर पाते हैं अगले 5 दिनों में। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं क्योर स्किन के बारे में। तो आपको ध्यान ही होगा कि तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने अपने बाल बड़े करे थे, लेकिन बड़े बालों की केयर करना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली फिर यू ट्रैवलिंग, तो मेरा काफ़ी हेयर लॉस शुरू हो गया था, इसलिए मैंने टर्की में जाकर अपने बाल कटवा दिए थे। रिसेंटली केम टू नो अबाउट क्योर स्किन, तो क्योर स्किन एक ऐप है जहाँ पे कि स्किन केयर प्लस हेयर केयर दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप ऐप करिए डाउनलोड और वहाँ पे चूज करिए हेयर केयर, जैसे मैंने हेयर केयर चूज़ करा, एंड देन दे आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द कंडीशन ऑफ माई हेयर, हैड टू अपलोड थोड़ी सी फोटोज, फ्रंट व्यू एंड जो टॉप स्कैल्प का व्यू, सो दैट दे कैन एनालाइज द सिचुएशन ऑफ माई हेयर। एंड देन द डॉक्टर्स एट क्योर स्किन दे सजेस्टेड मी अ रेजिमेन, दे सेंड मी दिस बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर देर वॉज अ शैम्पू, अ कंडीशनर, लोशन एंड सम टैबलेट्स। तो ये कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, हफ्ते में 2 बार करना है, जैसे जो भी डिटेल्स हैं वो सब ऐप पे अवेलेबल होती हैं, प्लस यू कैन टॉक टू योर डॉक्टर एनी टाइम। एंड ऑल्सो जैसे मेरे को अभी कुछ हफ्ते हो गए इसको यूज़ करते हुए, तो मेरा नेक्स्ट चेकअप स्केड्यूल्ड है, विद द डॉक्टर विल कॉल मी एंड देन आस्क मी द सिचुएशन कि भाई कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और कुछ चेंज करने हैं हमें कि नहीं करना है। सो आई एम यूजिंग दिस फॉर कपल ऑफ वीक्स नाउ, मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अगर आपको भी ट्राई करना है तो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, प्लस देयर इज अ कूपन कोड जिससे कि आपको कुछ डिस्काउंट्स मिलेंगे, सो डू चेक इट आउट एंड लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। लुक्स लाइक अ गाइस आर चिलिंग, விட்டு வெக்கத்தை அணைந்து வீடு குச்சி जा रहे हैं, 3 वेव्स थी और तीनों में राइड कर ली, और आई वांटेड टू मेक अ रियल गुड एंट्री अभी अंदर आते आते, लेकिन गिर गया एंड में। अभी आज का दिन इज लाइक सुपर ब्यूटीफुल है, शाम को आए हम दिन में नहीं आए, तो आज बहुत सही सनसेट है और आई एम गोइंग टू डू इट, सो या इट्स गोइंग टू बी गुड डे। काफ़ी सही रहा यार, लेकिन एंड में ना थोड़ा बहुत ऑब्वियसली सेकंड डे ही है, तो नॉट मेरे गुरुजी आ रहे, गुरुजी से पूछते, गुरुजी गुरुजी हाउ वाज इट टुडे? इट वाज रियली गुड देवांग, वी हैव द एविडेंस, ही रोड द वेव्स रियली वेल। तो यार आज का दिन खत्म हो गया, मैंने राइड करी वेव्स, लेकिन जो था ना टेक्निक की वापस जाने वाला, तो आज गौतम ने बोला कि तुम पैडल करके वापस आओ, तो उसमें एक दो बार ऐसे हुआ कि लाइक द वेव इज कमिंग एट यू एंड देन यू आर लाइक स्केर्ड कि अरे क्या होगा अगर मेरे पे क्रैश करेगी, तो एक बार इट विल लाइक ऑलमोस्ट क्रैश ऑन मी एंड द बोट वेंट डाउन, सो दैट इज द वन थिंग लाइक वो मुझे ध्यान रखना है आगे से कि कैसे करते हैं वो। और दूसरी चीज़, जब मैं राइड कर रहा हूँ वेव को, तो माय अदर कोच जेवियर वाज टेलिंग मी दैट आई हैव माय वेट ऑन वन साइड, तो मेरा बोट टिल्ट हो जाता है और जब फिर वेव यहाँ पे आती है तो गिर जाता है, तो कल ये इम्प्रूव करेंगे, अभी सेकंड डे, अभी 3 दिन और पड़े, सो आई होप आई विल बी एबल टू कैच द वेव माय सेल्फ, राइट मे बी दिमाग में रहता है बस मुझे ये करना है, कुछ नहीं करना, जब खुद करना है तो पीछे वेव देखनी है, पैडल करना है, खड़े होना है, सब करना है एक साथ ही, तो हाँ मतलब इम्प्रूवमेंट, बट स्टिल अ लॉट टू लर्न, सो आई सी यू टुमारो। तो अभी अपने पास ये तो कोकोनट और मस्टर्ड चटनी है, ये अचार है, ये सांभर और ये चावल, तो ये एक और सब्जी आ गई, ये जिमीकंद है, जिमीकंद ही बोलते हैं हमारे घर में, तो ख़त्म करो भाई जल्दी, बहुत सारा है। तो अभी हम लंच करने आए, ये ऐसे नॉर्मल सा घर है जैसे यहाँ पे सब घर होते हैं, हर घर के बाहर तुलसी प्लांट रहता है, और इस घर में मतलब छोटा सा यहाँ पे अरेंजमेंट है खाने का, और सिर्फ 60 रुपये में,
दिस अमेजिंग फूड। So you need to explain what's happening. Every year on this Amavasya night. Every Amavasya? Yeah, mm-hmm. Not every Amavasya. Mm-hmm. On this particular Amavasya. What is special about this Amavasya? Dada, is it special, Dada? We are ignorant people. Okay. Yeah, you don't know anything about. Okay. You tell me about this. What? Okay, no, just explain it. Like, on Amavasya, you have this. Yeah, so we light up lamps and uh-huh. then we offer puja mm-hmm. to the deity here. Okay. And they give us prasadam after the puja. Yeah. So this is flattened rice. Mm-hmm. They add jaggery mm-hmm. and tail into it. Mm, yeah. Tail also? Yes. Okay. So I saw it today, it was like always lit up. And then after bathing and surfing, I came here fatafat. और अंदर पूजा देखी हमने और ये मुझे लगा था कि गुड़ तो है इसमें लेकिन इट्स लाइक चावल है ये फ्लैट करा हुआ चावल सो या तो यू गाइस ईट चावल ऑल डे राइट वी ईट चावल फॉर ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स चकना सब चावल में यहाँ पे आज ताकू ने मेहंदी लगाई है तो अभी सब लड़कियाँ देख रही हैं कि क्या लगाया आपने व्हाट डिड यू गेट योर हैंड मेहंदी Oh, and but did you draw by yourself? What's the special part of my mehendi? I have my name here, written in Kannada, which is the so cool. language of Karnataka. But are you sure they written your name or something else like? Well, maybe. So when you arrive at the beach, you should first 5 to 10 minutes. You should just focus on observing. Like you should look at the beach. कैसी फीलिंग है और कितनी खुद ओन वेव्स कैच करने वाले हैं अपन यार आज गौतम ने बोला है कि मुझे पुश नहीं करेगा तो इट्स गोना बी अ डिफरेंट गेम कल लाइक कल इट वेंट वेल बट अभी आज पता नहीं देखते हैं यू विल नो सी इन द वीडियो वी विल सी इन द वाटर होल आल्सो यहाँ ये बैठने की कह रहा था मैं अब आप हाउ टू स्लीप ऑन अ सर्फ बोर्ड मस्त बारिश हो रही है थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को मैं इस तरह पॉपअप नहीं कर पा रहा थोड़ा सा उतना स्टेबल नहीं जैसे कल था लेकिन हाँ ठीक जा रहा है मज़े आ रहे हैं आज ये चीज़ मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती मुझे मेरी बहुत फटती है समुंदर से फिर ही मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे रॉक्स नहीं है बीच पे और ये यहाँ पे लाइक स्टैंडिंग अगर तुम खड़े हो गए ना मैं सर बाहर आएगा तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे इनको स्विमिंग नहीं आती और बोलते हैं यार सर्फिंग कर सकते हैं कर सकते कम टू वाला सर दे हैव लाइक रियली केयरिंग कोचेस गौतम स्पेशली तो लाइक ही इज़ ऑलवेज विद मी तो मुझे कभी डर लगता नहीं है बस जब वहाँ जाता हूँ ना तो आई हैव टू कम बैक बस वही टाइम होता है अकेला यहाँ पे वॉलंटियर्स भी रहते हैं आपके साथ तो काफ़ी फन रहता है मोहर आपने देखा है वीडियो में तो आज हम लेकर आए गोप्रो पहले दो दिन हम गोप्रो नहीं लेकर आए साथ में तो हम बस दूर से शूट कर रहे थे तो आज थोड़ा ज़्यादा फन हो रहा है Thank you.
तो आज हमारा फोर्थ डे है और आज हम सी फूड खाने आए हैं. आज जेवियर, सो यू हैव ब्रॉट अस टू अ प्लेस व्हिच इज लाइक फेमस फॉर द सी फूड ओनली. इट्स आजी मनी. तो देखते हैं क्या आता है. थैंक यू. तो अभी ये ब्राउन राइस ही है ना, ब्राउन राइस और अचार आ गया. एंड व्हाट इज दिस, इज लाइक कैबेज नो, ओके, पत्ता गोभी, अचार और चावल. अभी मच्छी वच्छी आएगी साथ में. तो यार ये देखिए, ये हाईवे इधर और यहाँ पे छोटा सा ऐसी घर सा है, दुकान सी है, ये रेस्टोरेंट जो खाया हमने, जो हमने खाई ना मील, वो थी यार सिर्फ 40 रुपये. मतलब 40 रुपये में वो जो मील खाई हमने, चावल और गोभी, वो साथ में पत्ता गोभी थी और थोड़ी ग्रेवी थी चिकन की, और साथ में हमने एक फिश ली तो वो थोड़े से और 50-60 रुपये की. मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता और काफ़ी टेस्टी. तो ये हमारा बीच आ गया है सामने, और उसके सामने से दे हैव अ स्मॉल स्पेस. यहाँ पे बिल्लियाँ तो यहाँ पे है ही बहुत सारी. तो यहाँ पे हमने अपने सर्फ बोर्ड पीछे रखे हुए हैं सारे. तो जब आते हैं सर्फ करके तो यहाँ पे वॉश करके सबको, सैंड वैंड सब निकाल के, एंड देन वी पुट आवर सर्फ बोर्ड्स हियर. तो अभी यहाँ से अब सर्फ उठाएंगे एंड देन वी गो टू द बीच. तो जो भी हो रहा है पिछले 3 दिन से वो यही हो रहा है कि यहाँ से उठाते हैं, वी गो देयर. मैंने दिखा नहीं था आपको ये सब, तो मैंने सोचा चलो आज को दिखा दूँ आपको ये सब चीज़ें भी, बिकॉज ये सब भी ज़रूरी है. तो हाउ वाज योर लास्ट डे? सब कुछ दर्द कर रहा है यार. हाँ मैं बताऊंगा बाद में आराम से चेंज करके. हाँ जी, तो यार अभी लास्ट दिन है, मतलब लास्ट दिन तो कल था सर्फिंग का. आज मैं जा रहा हूँ वापस, मेरी फ्लाइट है यहाँ से. तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है मुल्की का वो है मैंगलोर, इट्स लाइक हाफ एन आवर. तो एयरपोर्ट पहुँचूंगा, फिर बैंगलोर का फ्लाइट है, फिर दिल्ली का फ्लाइट है, और मुझे कुछ वीज़ा अप्लाई करना है. तो वो सब कहानी बात करेंगे अगले ब्लॉग में कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ नहीं जा रहा हूँ. लेकिन जो मेरा फाइनल थॉट्स होंगे इस पूरे कोर्स के बारे में, कि मैंने बताया आपको, लाइक आई हैव टोल्ड यू, लाइक एंड नंबर ऑफ टाइम्स मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, फिर भी मैंने करा ये कोर्स. और मतलब एंड तक ये हो गया आते कि मतलब इट्स इजी टू पिक अप, लेकिन इंप्रूव करना ना उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बिकॉज इन द बिगिनिंग द इंस्ट्रक्टर्स दे आर हेल्पिंग यू, पुशिंग यू एंड एवरीथिंग, टेलिंग यू कि वेव आ रहा है. लेकिन वो सब चीज़ें खुद से करना, कि वेव देखना कि कब वेव आ रहा है और कब पैडल करना अपने फुल फोर्स में, वो सब थोड़ी सी मुश्किल है. तो मतलब यू विल गेट अ फील ऑफ इट इन दीज 5 डेज और 3 डेज, लेकिन सीखना प्रॉपर कि खुद ही सर्फ बोर्ड लेकर तुम अंदर घुस गए उतना नहीं होगा. तो मतलब ठीक है, यू कैन टेस्ट द वाटर्स, और आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू. एक चीज़ और है कि जब आपको गिरना है ना एंड में आके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज सैंड में भी कभी कभी चोट लग जाती है. मेरा इधर लेफ्ट वाला घुटना छिल गया था परसों, और कल थोड़ी सी मेरी रिस्ट मुड़ गई है. तो थोड़ी बहुत इंजरीज तो होंगी, वो तो हर एडवेंचर स्पोर्ट में होती ही होती है. और उसके अलावा इट्स परफेक्टली फाइन, सेफ, ऐसा कुछ लाइफ थ्रेटनिंग या ऐसे बहुत सीरियस चीज़ें कुछ नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे वेव्स इतनी बड़ी नहीं है. मतलब ऑब्वियसली अगर आप किसी ऐसे बीच पे करोगे जहाँ पे बड़ी बड़ी वेव्स आती है तो रिस्की होगा. यहाँ पे लाइक यू हैव द इंस्ट्रक्टर्स विद यू, हैव द कोचेज विद यू ऑल द टाइम, सो टू यू नो टू टेल यू कि ये बड़ा वेव आ गया तो इस पे मत करो, रुक जाओ. तो सब कुछ इट्स परफेक्टली सेफ, ऐसे कुछ भी डरने की वाली कोई बात नहीं है. सो या आई होप आपको कुछ हेल्पफुल लगा होगा ये पूरा ब्लॉग. एंड या I'll see you in the next one. Bye.